औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज वर्चुअल लर्निंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टाइप की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम दुरुस्त या अकल जुमलों का इंतखाब करेंगे। यह आपकी किताब के मुख्तलिफ असबाक में दी हुई हैं और इन दुरुस्त या गलत जुमलों का आज हम इंतखाब करेंगे और इनकी निशानदेही करेंगे। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ये हमने सबक प्यासा कौवा से लिए हैं। नंबर एक, एक कौवा प्यासा था, ये दुरुस्त जुमला है, इसके सामने हमने टिक का निशान लगाया है। दूसरा जुमला है, कौवा पानी की तलाश में उड़ नहीं रहा था, कौवा पानी की तलाश में उड़ नहीं रहा था, ये गलत जुमला है, इसके सामने हमने क्रॉस का निशान लगाते हैं। और तीसरा जुमला है बच्चों, कौवे को बाग में पानी का घड़ा नजर आया, ये दुरुस्त जुमला है। क्या है? कौवे को बाग में पानी का घड़ा नजर आया, ये दुरुस्त जुमला है। आगे जुमला नंबर चार, घड़े में पानी बहुत ज्यादा था, ये गलत जुमला है, इसके सामने हमने क्रॉस का निशान लगाया है। घड़े में पानी बहुत ज्यादा था, ये गलत जुमला है। ये इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। जुमला नंबर पांच, कवे ने बहुत से कंकर घड़े में डाले, ये दुरुस्त जुमला है, कवे ने बहुत से कंकर घड़े में डाले, ये दुरुस्त जुमला है। बच्चों आगे जुमला नंबर छह है, कवे ने जी भर कर पानी पिया, ये भी दुरुस्त जुमला है। कवे ने जी भर कर पानी पिया, ये भी दुरुस्त जुमला है। आगे जुमला नंबर सात है, कौवा पानी पीकर खुश नहीं हुआ, ये गलत जुमला है बच्चों, कौवा पानी पीकर खुश हुआ। जुमला नंबर आठ, कौवे ने घड़े से पानी नहीं पिया, ये भी गलत जुमला है बच्चों, कौवे ने घड़े से पानी पिया, ये दुरुस्त जुमला है। जुमला नंबर नाइन, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंची, ये दुरुस्त जुमला है, कौवे की चोंच बच्चों पानी तक नहीं पहुंची, ये दुरुस्त जुमला है। जुमला नंबर दस, कौवा पानी कौवा प्यासा नहीं था, ये भी गलत जुमला है, कौवा बच्चों प्यासा था। ये अगले जुमले बच्चों हमने सबक कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह से लिए हैं। जुमला नंबर एक, कायदे आजम एक अजीम रहनुमा थे, ये दुरुस्त जुमला है। नंबर दो, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये भी दुरुस्त जुमला है। जुमला नंबर तीन, कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाने में दिन रात कोशिशें की, ये भी दुरुस्त जुमला है। नंबर चार, हमें चाहिए कि हम लोगों का एहतराम करें, ये भी दुरुस्त जुमला है बच्चों। जुमला नंबर पांच है, सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, ये गलत जुमला है, इसका सही जुमला बच्चों है, सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम किया। जुमला नंबर सात, कैद आजम के साथियों ने मिलकर काम नहीं किया, ये गलत जुमला है, इसका दुरुस्त जुमला है, कायदे आजम के साथियों ने मिलकर काम किया।
बच्चों ये जुमले हमने सबक टूट बटूट से लिए हैं। जुमला नंबर एक, एक था लड़का टूट बटूट, ये दुरुस्त जुमला है बच्चों। दूसरा जुमला है, टूट बटूट शहर से लड्डू नहीं लाया, ये गलत जुमला है। इसका दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट शहर से लड्डू लाया। नंबर तीन, टूट बटूट की जेब में एक रुपए का नोट था, ये दुरुस्त जुमला है। नंबर चार, टूट बटूट का लड्डू देकर जी नहीं ललचाया, ये गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट का लड्डू देकर जी ललचाया। नंबर पांच, टूट बटूट ने रास्ते में लड्डू नहीं खाया, ये गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट ने रास्ते में लड्डू खाया। नंबर छह, टूट बटूट के दांत पर चोट लग गई, ये दुरुस्त जुमला है बच्चों। नंबर सात, टूट बटूट अम्मी के पास नहीं आया, ये गलत जुमला है। इसका दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट अम्मी के पास आया। जुमला नंबर आठ है, टूट बटूट अम्मी की बात सुनकर घर से नहीं निकला, ये गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट अम्मी की बात सुनकर घर से निकला। जुमला नंबर नौ है, टूट बटूट की बहन ने दाल नहीं पकाई, ये दुरुस्त जुमला है। नंबर दस, टूट बटूट की अम्मी ने खाना पकाया, ये गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है, टूट बटूट की अम्मी ने खाना नहीं पकाया। ये थे बच्चों हमारे दुरुस्त और गलत जुमले। आपने इन तमाम दुरुस्त और गलत जुमलों को याद भी करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।